डोनोव वर्सेस स्टेवेंसन, ये केस है 1932 का। तो आइए देखते हैं ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में लॉ के द्वारा जो हमारे ऊपर ड्यूटी इम्पोज किया जाता है वो किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता है, बल्कि अगेंस्ट होल वर्ल्ड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं किसी के अगेंस्ट कोई गलत नहीं बोलूँगा, किसी को डिफेम नहीं करूँगा। ये अगेंस्ट होल वर्ल्ड जनरली है कि किसी के अगेंस्ट भी नहीं बोलूँगा। ये नहीं है कि किसी पार्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट बोलूँगा, ऐसा नहीं है। ये मेन प्रिंसिपल इस केस में हेल्ड हुआ था, डोनोव वर्सेस स्टेवेंसन में। आइए देखते हैं कि इसका फैक्ट क्या था। इस केस में दो फ्रेंड्स होते हैं, ए एंड बी। दो फ्रेंड्स हैं, इन दोनों रेस्टोरेंट में एक जाते हैं और वहाँ पे जिंजर बियर बॉटल को ऑर्डर करते हैं, परचेस करते हैं। और जो बी होती है वो पी लेती है, ड्रिंक करती है, और उसके बाद जो थोड़ा सा बचा होता है नीचे में ड्रिंक, जिंजर बियर, उसे बॉटल में निकालती है। तो उसे वो देखती है कि उसमें क्या है, डेड स्नेल, मरा हुआ स्नेल का डिकम्पोज बॉडी उसमें रहता है। तो वो क्या करती है कि फिर वो मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट में केस फाइल कर देती है। मैन्युफैक्चरर बोलता है कि हम तो जो बी है उसे हम पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो फिर हम लायबल कैसे होंगे। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जजमेंट क्या दिया, क्या हेल्ड किया कि जो मैन्युफैक्चरर है वो बी के अगेंस्ट में लायबल होगा। उसकी ये जिम्मेवारी है, मैन्युफैक्चरर की जिम्मेवारी ये होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो इसे ध्यान में रखे कि जो भी अल्टीमेट कंज्यूमर है उसके प्रोडक्ट को, वो उसे किसी कंज्यूमर्स को किसी भी प्रकार के कोई नुकसान ना हो, कोई भी उसमें टॉक्सिक मटेरियल्स ना हो। ये हेल्ड हुआ था डोनोव वर्सेस स्टेवेंसन में। मेन यही था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।